बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप यू आर वेल। मायसेल्फ राजासन, आप देख रहे हैं राजासन अली ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल जो नदीम अब्बास साहब जो कि सीईओ हैं सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी की, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी को चलाते हैं, उनसे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा, जिरा करूँगा। कल जो उनकी वॉइस आई, आलमोस्ट 4 मिनट की वॉइस निकल कर आई, ये सेकेंड वॉइस है। फर्स्ट वॉइस इनकी आलमोस्ट 10 दिन पहले आई थी, ये सेकंड वॉइस आई है। इंशाल्लाह इस वॉइस का मैं उनको कंप्लीट आंसर करूंगा। अगर तो ये वॉइस डायरेक्टली हमारे ऊपर आई है फिर तो इंशाल्लाह काम बनता है हमारा कि हम जो है ना इसको अपनी क्लियरेंस चिट दें इनको। सो अभी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब को हिट कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी, इंशाल्लाह फ़ायदे वाली वीडियो मिलेंगी। मैं बात करता हूं, आपको पता है कि सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी के जो मालिक हैं नदीम अब्बास साहब, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी को डील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले दो ढाई सालों से ये लोग मैंने देखा है कि इन लोगों को ये लोग चल रहे हैं। अभी कल की वॉइस के अंदर उन्होंने पहली बात की है कि आप सब सब्र करते, अभी FIR ना करवाते। तो इसके मैं पहले इल्मे पॉइंट नंबर 1 इसका मैं आपको आंसर दूँगा। पिछली बार भी आप जब दुबई गए थे लेकिन आप मुसलसल रबते में थे, आपकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूदगी का हमें एहसास था, हमें पता था, ना ही मैंने ना ही मेरे किसी जानने वाले ने, सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर ने, ना ही किसी इन्वेस्टर ने, ना ही आपकी कम्युनिटी के किसी बंदे ने आपके ऊपर FIR करवाई। क्यों? क्योंकि आप मुसलसल रबते में थे, कनेक्शन कट नहीं था। ठीक है, दूसरी बात आपने की कि ये जो आज का नान नहाज यूट्यूबर्स मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो आप ने ये बात डायरेक्टली हमारे चैनल के ऊपर की है तो फिर आप शायद भूल गए हैं कि जब आप दुबई में थे तो आपकी एक एक चीज़ को वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था आपके इन्वेस्टर्स के आगे। हमने उस वक्त भी आपका साथ दिया, पीछे भी दिया, आपकी नीयत साफ़ है तो आगे भी देंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, मैंने कभी ना झूठ को आगे पहुँचाया है, ना ही मेरा ज़मीर मानता है, ना ही मैं किसी कमीशन एजेंट की तरह मतलब सच्चाई को छुपाऊंगा और जो झूठ होगा उसको बता दूंगा। आपकी पहले भी हमने हेल्प आउट की थी, आपने जेन्युइन तौर पर जो जो हमें पैगामात दुबई से पहुंचाए, हमने आगे लोगों तक पहुंचाए कि भाई ये कह रहे हैं फ्यूचर के अंदर आप लोगों का ये प्लान है, ये है, क्योंकि आप मौजूदगी में थे। अभी जो लोगों ने FIR करवाई उसकी बेसिक वजह इल्मी पॉइंट थी कि आप गायब हो चुके थे ऑलमोस्ट पूरा महीना। जब एक बच्चा गुम हो जाए तो एक जो माँ है वो 2-3 दिन उसको तलाश करती है, फिर जाकर, बल्कि 2-3 दिन बहुत ज़्यादा है, 2-3 घंटे वो उसको तलाश करते हैं, जाके फ़ौरन से वो थाने में रिपोर्ट करते हैं कि मुतलका कि हमारा बच्चा गायब है। अब उस बच्चे से नफरत तो नहीं करती माँ, वो उसकी मोहब्बत के अंदर जाके रिपोर्ट करवाती है कि हमें ये बंदा मिले। इसी तरह लोगों की, कम्यूनिटी की, इन्वेस्टर्स की आपके साथ मोहब्बत है क्योंकि लोगों का आपके पास पैसा है। इस मोहब्बत के चक्कर में उन लोगों ने आपके ऊपर FIR करवाई क्योंकि आपका कनेक्शन कार्ड था। एटलीस्ट आपने ना हमसे रब्ता किया, ना ही आपकी एक वॉइस निकली, 15 दिन बाद दूसरी वॉइस आई आपकी 21 दिन बाद। तो 2 वॉइसों के ऊपर आप फिर लोगों से गिला करें तो ये आपका काम नहीं बनता कि आप लोगों से गिला करें। आप फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं थी, आपके साथ जो भी मामलात हुए हैं हुए होंगे, लेकिन आप अपने वकील के थ्रू अपनी हर एक चीज़ को अपडेट करते रहते, तो हम इस चैनल के जरिए आपके सारे लोगों को बताते कि भाई ऐसा भी कुछ भी ना करो, वो फिजिकल हमारे साथ रबते में है, आपका कनेक्शन कट हो गया था, सिंपली आप बिल्कुल गायब थे, तो फिर मुझे बताएं एक माँ क्या करेगी, वो जाके मोहब्बत में FIR कटवाएगी ना। तीसरा आपने बात की कि रिफंड पॉलिसी मैं बना रहा हूँ सबको, इंशाल्लाह मैं 2 दिन में मुतलका करूँगा। यही बात आपने दुबई के अंदर भी बैठ के की थी। दुबई से जब से आप वापस आए, इस वाक्य को, पूरे वाक्य को ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, अभी तक रिफंड पॉलिसी हमें ना दिखने को मिली, ना इस पर अप्लाई करने को मिला, ना हम इसको कैसे अप्लाई करें, कुछ भी नहीं मिला। आपके ऊपर FIR करवाने की एक बड़ी मेन रीज़न वजह कि आपका जो अमला है, स्टाफ है, उन सब लोगों ने अपने नंबर ऑफ कर दिए थे, अपने लोगों के साथ कनेक्शन कट कर दिया था, वो किसी किस्म का जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उनसे बात करो कहते थे हमें कुछ नहीं पता, एट द एंड उन लोगों ने तंग आके सब कुछ ऑफ कर दिया। तो ये बड़ी वजह है, अगर आपकी टीम मुसलसल रबते में रहती आपके ऊपर कोई बंदा FIR ना करवाता। राम मसला, अगर आप तो यूट्यूबर का आपने कहा है कि वो वीडियोज़ बना रहे हैं, तो अगर आपने मेरा कहा है तो आप शायद माजी में भूल गए हैं कि मैंने आपके साथ माजी में भी जब आप दुबई थे स्टैंड किया है, पीछे भी किया है, अभी भी जो आपकी वॉइसें आती हैं वो लोगों तक पहुंचाता हूं। तो अगर आपका किसी और चैनल की तरफ इशारा है तो फिर आपका मामला है उन चैनल वालों के साथ, मैं नाम लिया बगैर इशारतन बात करता हूं। अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि आप रिफंड पॉलिसी कब बनाएंगे, कब अनाउंसमेंट करेंगे, कब हम उसको अप्लाई करें और अपना रिफंड पॉलिसी लें। जज़ाकुमुल्लाह व खैरा।